लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए चलाए जा रहे स्वीप अभियान की सफलता के लिए जिलाधिकारी के विजयन पांडियन की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया। बैठक में CDO अनुज सिंह, ADM सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव, सिटी मजिस्ट्रेट अजीत कुमार सिंह, स्वीप प्रभारी SDM सहजनवा सुरमीत कौर, SDM सदर प्रथमेश कुमार, उच्च शिक्षा अधिकारी अश्वनी मिश्रा, BSA BN सिंह, दिव्यांग कल्याण अधिकारी मीनू सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में DM ने कहा कि मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए सभी लोग अपने दायित्वों का निर्वहन करें, मोहल्ला कमेटियों का गठन करके लोगों की अधिक से अधिक मतदान के प्रति जागरूक करें, जिससे स्वच्छ निष्पक्ष मतदान सम्पन्न कराया जा सके। एरिया जहाँ पे संग्राम लोग रहते हैं, जहाँ पे पढ़े लिखे लोग रहते हैं, जो कहने को तमाम बातें कहेंगे, उन सब जगहों पे भी काफी उदासीनता है। क्या जरूरी है, क्या उनको दिक्कत आ रही है, इन सब चीजों को दूर करने के लिए स्वीप एक्टिविटीज का ये कैलेंडर बनाया गया है। इसमें हमारी स्वीप प्रभारी SDM सहजनवा मैडम है, और इसमें जो एक्टिविटीज कुछ एक्टिविटीज ऐसे हैं जो कैलेंडर के हिसाब से हम लोगों ने कल से प्रारंभ की कर दी है। मैं सबसे पहले एक्टिविटी वार्ड वार मोहल्ला सभा का आयोजन कार्यक्रम है। और वहाँ के लोगों को हम प्रेरित करें कि आप जो चर्चाएं अपने घर के अंदर बैठ के करते हैं, क्यों ना हम सब बाहर निकल के एक साथ बैठ के चर्चा करें कि आखिर ये वोट डालने का महत्व क्या है। हमें पॉलिटिकल चर्चाएं नहीं करवानी, हमें बस ये चर्चा करवानी है कि कैसे हम परसेंट तक बढ़ा सके, उसमें क्या दिक्कत है 90% तक बढ़ाने में। जब वहाँ पे लोग आ रहे हैं, आपके द्वार पे आ रहे हैं, आपसे मत मांगने के लिए आ रहे हैं, तो और आपको अवकाश भी मिल रहा है उस दिन, तो आपको क्या दिक्कत है सिर्फ 400 मीटर बूथ तक जाके अपना मतदान डालने में। SDM सदर साहब ने आप लोग एक
जो आपके समाज के यूज करके लोगों को अगर आप वहाँ पे सूचित कर देंगे और उस पर हम लोग चर्चा करेंगे इस बात पे, तो फिर देखिए दिवाली में जब जब कोई सभा हो तो वहाँ पे आप एक गाड़ी जैसे लाउड स्पीकर के ऊपर लगा दीजिए, आपके यहाँ पे एक महिला सभा का आयोजन फला जगह पे किया जाएगा, कृपया आप सभी उसमें प्रतिभाग करें। जैसे किसी सोसाइटी में जब एक रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की जब बैठक होती है तो उसमें सभी के घरों में या तो एक छोटी सी एक सूचना गिरा दी जाती है कि आपके यहाँ फला सभा आइएगा, जरूर अपना मत जरूर रखिएगा। तो उस तरीके से थोड़ा एक लोगों का पार्टिसिपेशन करना है, ये नहीं कि 10 घरों से 5 लोगों को बुला के एक सभा करनी है, उसका बहुत ज़्यादा असर नहीं है। सभी घरों से कम से कम कोशिश कीजिए कि एक ना एक व्यक्ति वहाँ पर मौजूद रहे। अधिकारी जो हमारे नगर पालिका के हैं उनका काम और छोटा है, उनके मोहल्ले वार्ड बहुत कम है, तो उनको भी यही काम करना है। पहले चर्चा करनी है कि वोट डालना क्यों जरूरी है, फिर उसके बाद ईवीएम और वीवीपैट की बेसिक एक जानकारी देनी है। उसके लिए जरूरी है कि हमारे जो ईओ साहबान है, हमारे जो एसडीएम साहबान है या उनके अंदर जो लेखपाल है, इन सबको पता हो कि आखिर कैसा होता है वीवीपैट और ईवीएम क्या होता है, उसमें कैसे मतदान डालते हैं, क्या करते हैं। मतलब हमारे लेखपालों को तो पता होगा, लेकिन हमारे अधिशासी अधिकारियों से भी निवेदन है कि आप लोग भी थोड़ा पढ़ लें, थोड़ी तैयारी होकर जाए, जिससे कि लोग दूसरे को आप उनके सवालों का जवाब दे सकें। और उसके बाद उनसे शपथ दिलवानी है, शपथ क्या दिलवानी है वो मैडम आप लोगों को स्क्रिप्ट दे देंगी, वो शपथ बोल के उन लोगों को दिलवानी है कि वोट डालेंगे। आप उसमें और मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, आप उन लोगों से शपथ पत्र भी भरवा सकते हैं कि हम वोट डालने आएंगे, और आप देख सकते हैं कि किस मोहल्ले ने कितना शपथ पत्र भरा, और उसके बाद हम सब इस तरीके से। और ये भी इंश्योर करना है कि अगर कुछ किसी व्यक्ति को ये संशय है कि उसका वोट बना है कि नहीं बना है, और अगर उसका वोट बना है तो आखिर उसको जाना किस बूथ पे है, बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता रहता, तो वहाँ पे आपके जिस समय आप जिस मोहल्ले में बैठे तो आपकी जो बीएलओ है या वहाँ का जो बीएलओ है वो आपके साथ जरूर वहाँ प्रतिभाग करें, जिससे कि वो लोगों के इस सवाल का जवाब जरूर दे सके कि आखिर उसका वोट बना है कि नहीं बना है। और अगर उसका वोट नहीं बना है तो उसके पास अभी भी समय है, वो अपना वोट बनवा सकता है, ठीक है। तो ये भी चीज़ इसमें आप इंकॉर्पोरेट कीजिए, जिससे कि अगर किसी का वोट ना बना हो तो वो वोटिंग वाले दिन बूथ से जाके वापस ना लौटे, वो भी अपना वोट डाल सकते। मैं जब कैंपेन और इन सब चीज़ों पर जब पाबंदी लग जाता तब तक चलेगा, इसके लिए हमारे जो जन सुविधा केंद्र और सीएससी केंद्र है उसकी आवश्यकता पड़ेगी। अगर कोई व्यक्ति ये कि आखिर उसका मतदाता सूची में कहाँ नाम है, किस भाग में आता है, उसका मतदान किस बूथ पर है, और उसका नाम है भी कि नहीं है, और अगर नहीं है तो उसे कौन सा फॉर्म भरना है, क्योंकि हमारे सीएससी और जन सुविधा केंद्र इन सब एक्टिविटीज में जानते हैं इन सब चीज़ों को कैसे करते हैं। आप लोगों को है क्लैरिटी कैसे क्या देखते हो? सबसे आसान चीज़ से 1950 नंबर है, टोल फ्री नंबर है, सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक खुला रहता है, जो भी डाउट पूछना है उनका नंबर बता दें उसी से हो जाता है। तो सेम चीज़ से 1950 में आप SMS करेंगे वापस भी आपका आ जाएगा आपको, आपका जो कौन सी बूथ में कौन सी पार्ट में बना हुआ है। आपको नाम देखना है या जानना है तो आप यहाँ संपर्क करें, सेवा उसको निःशुल्क ही रखें, क्योंकि अगर किसी को अपना नाम जानना है तो 2 मिनट का काम है, ECI.gov.in वेबसाइट पे भी ये सुविधा उपलब्ध है, बस उसका आप अगर नाम वगैरह टाइप करेंगे तो पता चल जाता है कि इसका बना है कि नहीं बना है। तो कम से कम आप उसकी इतनी मदद कर सकते हैं कि उसको आप नंबर बता सकते हैं या आप उसका नाम उसे सर्च करवा सकते हैं, तो ये सुविधा अगर आप उसे देंगे तो ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। और कुछ आप SDM साहबान लोग आप लोगों से संपर्क करेंगे तो शहर के निकट जो केंद्र हैं, आप एक केंद्र अपने या एक छोटा सा एक स्टॉल में, एक अगर आपने तहसील में अपना स्टार्ट कर दिया, तहसील में स्टार्ट कर दिया, कुछ ब्लॉक में स्टार्ट कर दिया, जितने भी जो सरकारी हमारे बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर अगर एक फैसिलिटेशन सेंटर एक स्टार्ट कर दिया तो लोग वहाँ पर भी आके अपना कोई डाउट हो तो अपना पूछ सकते हैं। पोस्टर तो लगा ही दो आप लोग, अच्छा खासा का पोस्टर है, वो अच्छा पोस्टर कल इलेक्शन कमीशन साइट पे भी अवेलेबल है, अब उसके नीचे आपको नाम भी डाल दो, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, बाकी कंटेंट आ जाए तो हमें गर्व है वोटर बनाना है, सारी चीज़ तो हिंदी में भी होता है, अंग्रेजी में भी होता है, एक अच्छा से कलर रंगीन फोटो तो बड़ा एक छोटी सी बैनर है तो लगा करके चस्पा फोटो अगले चुनाव तक ही है, तो 19 मई तक ये रहना चाहिए था हर जगह।
यहाँ कितने 450 है ना, कितने 1500 आप लोग ये चस्पा करके ग्रुप में डाल दो व्हाट्सएप पर, कम से कम उतने तो हो जाए कि हम 1500 सेंटर है, उतने में ही इतने लोग आने जाने वाले के संदेश चले जाता है, चलो हमें भी वोट देना है। तो आपको जो कितने सेवा के लिए आते हैं, एक छोटी सी मोहर बना लो, 50 रुपये में बन जाता है रबर स्टैम्प, आई विल बी वोटर टाइप का, जो हम तो वोट देंगे दे, छोटी सी मोहर, जो कितने सर्टिफिकेट जारी करते हो इसके एक छप्पा लगा करके दे देना, कितने भी मान लो तो 10-15-20 जो भी सर्टिफिकेट होता है, रसीद देते हो जो भी देते हो उसी पर लगा दो, कम से कम तो एक संदेश चले जाता है इसके अलावा ऑनलाइन में भी है, अभी भी वोटर बनाने पढ़ाने के लिए तो भी वक्त है, अभी नॉमिनेशन के दिन तक किसी का नाम यदि मान लो तो अभी नहीं है, अभी पढ़ा सकते हैं। ऑनलाइन में भी फॉर्म 6 भराना होता है, ऑनलाइन में भी भरा सकते हैं उसको, जो आपका वो सेवा में ये भी शामिल है, जो ऑनलाइन उसका आपका जो चार्ज कर सकते हो तो कर सकते हो, 50 रुपये जो भी है 20 रुपये जो भी निर्धारित चार्ज है। उसके अलावा जो यदि ऑफलाइन कोई फॉर्म है आपके पास चाहिए तो तहसील से ले लो, फॉर्म 6 भरा करके उसको वापस करा दो तहसील में, हम उनको वोटर बढ़वा देंगे, वोटर लिस्ट जो हम उसके काउंटर पर रखवा दीजिएगा, वो अपना उसको भर के आपकी तहसील में किसी जमा कर सकते हैं।